गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमें किस प्रकार से रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे। लेकिन हम जब नौवीं कक्षा के अंदर पढ़ाई करते थे तो वहां पे हमें चैप्टर नंबर एक और दो के अंदर यह चीज आई है कि सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। तो वहां पे कुछ ऐसा डेफिनेशन आता था हार्डवेयर का कि जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं, और जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते लेकिन उसको देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स व्हिच आर डिजाइन एंड डेवलप टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क डिजायर्ड बाय द यूजर और बाय द कंप्यूटर इटसेल्फ। कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर जो है वो एक कंप्यूटर के प्रोग्रामों का सेट है कि जो डिजाइन और डेवलप के लिए उसको हम यूज करते हैं बाय यूजर और कंप्यूटर, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर के दो टाइप होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर और तीन होते हैं, सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम्स, सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम्स और सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। आगे देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए, दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू ऑपरेट कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, क्योंकि वो एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू ऑपरेट कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। कि हमारे जो कंप्यूटर का जो भी प्रोग्राम है उसके कलेक्शन को कि जो जिसे हम ऑपरेट कर सके, कंट्रोल कर सके और एक्सटेंड उसका प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड कर सके उसको हम बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। दिस आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। ये हम सबको पता है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमें कंप्यूटर का जो मैन्युफैक्चरर है वो हमें ये चीज देता है। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सीपीयू, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये जो सीपीयू है वो सीपीयू जो है वो हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, कंप्यूटर को प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं और उसका जो मेमोरी है, उसका जो प्रोसेसिंग है, हम उसकी कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो सीपीयू को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। दिस सॉफ्टवेयर परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस लाइक फाइल एडिटिंग, स्टोरेज मैनेजमेंट, रिसोर्स अकाउंटिंग, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो कि हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली कुछ ना कुछ फंक्शंस को वो परफॉर्म करता है। वो कौन से फंक्शंस है, जैसे कि फाइल एडिटिंग, फाइल बना भी सकते हैं, फाइल को एडिट भी कर सकते हैं, स्टोरेज मैनेजमेंट, हमारा जो डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है उसका भी वो मैनेजमेंट करता है, रिसोर्स अकाउंटिंग मतलब कि हमारा जो भी रिसोर्स उसके साथ कनेक्टिंग है उसका, और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, जैसे कि हमारे पास कोई इनपुट या आउटपुट का जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है उसको भी वो क्या करता है, मैनेज करता है। तो आगे देखते हैं कि अभी आगे और क्या है। तो आगे है रोल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसका रोल क्या है। तो कि एक यूजर होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को कोई ना कोई इनपुट देता है
और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो इनपुट को हार्डवेयर के पास भेजता है। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि आप जब भी कंप्यूटर को चालू करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो, तो कि सीपीयू के अंदर जो पावर बटन है उसको हम ऑन करते हैं। जैसे ही उसको ऑन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर के अंदर जो हमारा सीपीयू है वो उनके हार्डवेयर को हमारा जो हमने जो उसको इंस्ट्रक्शन दी है वो इंस्ट्रक्शन क्या करता है उसके पास पास आउट करता है और थोड़ी देर के अंदर हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या होता है चालू हो जाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कि हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके टाइप्स कौन कौन से, तो है सिस्टम कंट्रोल्स, फर्स्ट सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम्स, दे कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स, मैनेज द स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग रिसोर्सिस ऑफ द कंप्यूटर एंड परफॉर्म अदर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग फंक्शंस, एग्जांपल ओएस। कि हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने का, स्टोरेज मैनेज डिवाइस को मैनेज करने का, उसके बाद हमारे कंप्यूटर के साथ जितने भी रिसोर्स लगे हैं वो सब रिसोर्स को प्रोसेसिंग करने का, उसको मैनेजमेंट करने का, उसको मॉनिटरिंग करने का, ये सब काम कौन करता है, कंट्रोल प्रोग्राम करता है, जैसे कि हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम्स, दे प्रोवाइड रूटीन सर्विस फंक्शंस टू अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर यूजर्स, एग्जांपल यूटिलिटी प्रोग्राम्स। हमारे जो कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जब भी कंप्यूटर को हम चालू करते हैं तो उसकी बेसिक रूटीन प्रोसेस रहती है, जो प्रोसेस हमारे करता है उसको हम कहते हैं सपोर्ट प्रोग्राम्स। और तीसरा है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये क्या है कि एक ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो हमें किसी ना किसी पब्लिकेशंस के थ्रू हमें मिलता है, तो किसी ना किसी पब्लिकेशंस उसको बनाती है। तो जैसे कि उसके अंदर एग्जांपल्स है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स लाइक इंटरप्रिटर, कंपाइलर्स एंड असेंबलर्स। हम इसी पार्ट के अंदर आगे देखने वाले हैं इंटरप्रिटर क्या है, कंपाइलर क्या है, असेंबलर क्या है। तो इंटरप्रिटर क्या है, तो जैसे ही हम जितना प्रोग्राम लिखते जाएंगे उसका वो ट्रांसलेट करता रहेगा, उसको कहते हैं इंटरप्रिटर। कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर जो है जो हमारा पूरा प्रोग्राम लिख देने के बाद जो कंपाइल करता है, जो पूरा प्रोग्राम लिख देने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है उसको हम कहेंगे कंपाइलर। और असेंबलर क्या है, तो कि जो हमारी जो असेंबली लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर से उसको मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके हमें जो आउटपुट देता है उसको हम कहते हैं असेंबलर। सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम्स, अभी हम सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम्स जो है उसको हम थोड़े विस्तृत से देखते हैं। क्योंकि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू मैनेज ओवरऑल रिसोर्सिस ऑफ एन ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। तो कि हमारा जो प्रोग्राम रहता है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम का एक इंटीग्रेटेड सेट है कि जिसके अंदर हम हमारे सारे रिसोर्स को जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, कंप्यूटर के ऑपरेशंस में यूज आने वाले जितने भी रिसोर्स है उसको वो क्या करता है, मैनेज करता है। आपको एक चार्ट दिया गया है, तो चार्ट के अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर उसके अलग पार्ट्स है, लैंग्वेज सर्विसेज, मेमोरी मैनेजर्स, इंफॉर्मेशन मैनेजर्स, शेड्यूलर, यूटिलिटीज, तो उसके अंदर भी अलग अलग आपको दिए गए हैं। तो आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शंस भी, तो कौन कौन से मेन फंक्शंस है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस एंड जॉब अकाउंटिंग। तो ये जो सारे वो मेन फंक्शंस है, मेमोरी मैनेजमेंट का जो काम है वो मेमोरी को मैनेजमेंट करना है, प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम है जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेस को मैनेज करना, डिवाइस मैनेजमेंट हमारे कंप्यूटर के साथ जो भी डिवाइस कनेक्टेड है उसको मैनेजमेंट करने का काम, डिवाइस मैनेजमेंट का। फाइल मैनेजमेंट, हम जो भी फाइल बनाते हैं उसको मैनेजमेंट करने का। सिक्योरिटी, हमारे कंप्यूटर के अंदर हम जो पासवर्ड्स वगैरह देते हैं उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी, तो वो जो सारी चीज है उसको मैनेज करेगा सिक्योरिटी। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, कि हमारे जो सिस्टम का ओवरऑल परफॉर्मेंस है
उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस का। और जॉब अकाउंटिंग कि आपको जो जॉब दिया गया है वो जॉब आपको किस टाइम पे करना है या किस लेवल से करना है उसका जो भी इंस्ट्रक्शन है वो जॉब अकाउंटिंग देता है। उसके बाद आगे है तो ये जो सारी चीजें हुई वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मेन फंक्शंस की बातें हो गई। लेकिन उसके बाद भी हमें पढ़ना है सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम्स, जैसे कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स, जो हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम्स है वो हमें पढ़ना है। तो हमारा जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स है, तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स और सर्विस प्रोग्राम्स आर प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स टू परफॉर्म टास्क दैट आर कॉमन टू ऑल डेटा प्रोसेसिंग इंस्टॉलेशंस। कि सिस्टम प्रोग्राम सपोर्ट प्रोग्राम्स क्या है, तो कि हमें जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर के द्वारा जो भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स और सर्विस प्रोग्राम मिलते हैं, जो जिसका काम है हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेसिंग के जो भी इंस्टॉलेशन है वो उसका एक कॉमन टास्क रहता है। तो वो पूरा जो टास्क करने का जो काम रहता है वो हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स का रहता है। जैसे कि कंप्यूटर्स में से डेटा को सॉर्टिंग करना, हमें जो भी आउटपुट को हम जो भी एडिट करें उसका आउटपुट दिखाना, हमारे डिस्क के अंदर या हमारे हार्ड ड्राइव के अंदर जो भी डंपिंग डेटा है उसको मैनेज करना, उसके बाद जो हमारा हम जो जो ऑपरेशन करते हैं जो प्रोग्राम पे उसको ट्रैक करना, ये सारा जो काम रहता है वो सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम्स का रहता है। उसके बाद होता है सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और हम जिसको बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उसको हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। मेन फंक्शंस आर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, मतलब कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसके अंदर से लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करने का काम ये डेवलपमेंट प्रोग्राम का यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का है। मेनली थ्री ट्रांसलेटर्स प्रोग्राम्स है, असेंबलर, इंटरप्रिटर और कंपाइलर। आगे हम देखेंगे असेंबलर क्या है, तो कि ट्रांसलेट अ सोर्स प्रोग्राम इनटू कोरस्पोंडिंग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, मतलब कि हमारा जो सोर्स प्रोग्राम है वो सोर्स प्रोग्राम को हम कोई मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते हैं उसको कहते हैं असेंबलर। तो ये देखिए असेंबलर कैसे वर्क करता है, तो कि ये हमारे पास एक सोर्स प्रोग्राम है, वो सोर्स प्रोग्राम हम असेंबलर को भेजते हैं, असेंबलर जो है वो उसको मशीन लैंग्वेज को प्रोग्राम के अंदर उसको ट्रांसलेट करेगा, वहां से वो उसको भेजेगा लोडर के अंदर, और लोडर जो है वो क्या करेगा उसको मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जो है उसको उसकी मेमोरी के अंदर लोड करेगा। लोड करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो उसको हम कहेंगे असेंबलर। इंटरप्रिटर अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम स्टेटमेंट एट अ टाइम इनटू मशीन कोड, मतलब कि हम जब भी कोई प्रोग्राम का प्रोग्राम को टाइपिंग करते हैं तो जैसे ही उसको टाइपिंग करते हैं और उसके साथ में ही जिसको वो कन्वर्ट करता है हुआ जाता है उसको हम कहते हैं इंटरप्रिटर। कंपाइलर अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स अ कंप्लीट प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज टू प्रोड्यूस अ प्रोग्राम दैट द कंप्यूटर कैन प्रोसेस इन इट्स एंटायरिटी। कि हमारा जो कंपाइलर मतलब कि हम जो पूरा प्रोग्राम लिखेंगे और वो पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है उसको हम बोलेंगे कंपाइलर। तो आज हमने यहां तक देखा, आगे आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जो असाइनमेंट आपको थोड़ी देर के अंदर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। तो जैसे ही जो वो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट आपको आज का जो लेक्चर का खत्म होने का जो टाइम है वो टाइम से पहले आपको ये असाइनमेंट जो है वो आपको मुझे सबमिट करना है, जिसके अंदर आपको बेसिक सवाल दिए गए हैं जितना हमने स्टडी किया वो सब, कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑल्सो ड्रॉ आउट फिगर। हमने एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक फिगर भी देखी है जिसको ड्रॉ आउट भी करना है। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सबको ये जो है उसका एक मुझे टेक्स्ट फाइल बना के भेजना है, ना कि मुझे इमेज भेजना है। जिसने भी जो भी मुझे इमेज भेजेगा उसका मैं असाइनमेंट कंसिडर नहीं करूंगा।
तो प्लीज ये इंस्ट्रक्शन मैंने आपको पहले से ही दे दिए है कि आपको जो ये असाइनमेंट है वो असाइनमेंट आपको मुझे टेक्स्ट में भेजना है। तो ये असाइनमेंट आप लास्ट तक भी देख सकते हैं। तो ये असाइनमेंट आपको मुझे आज लेक्चर खत्म होने से पहले भेजना है।